Friends, I am Mallik sir. I am going to continue the lesson combustion and flame. Right? In the last lecture, I had discussed about the different zones of the candle flame. Now I am going to discuss about the fuels. Right? So fuels. आप देखते हैं कि बहुत सारी चीजों को हम जलाते हैं तो बहुत सारी चीज जलता है उसमें हीट प्रोड्यूस होता है लेकिन हम सभी चीजों को फ्यूल नहीं कर सकते ठीक है तो सिर्फ उन्हीं मटेरियल्स को हम फ्यूल कह सकते हैं जो जलने के बाद लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस कर सके ठीक है क्योंकि थोड़ा बहुत हीट प्रोड्यूस होने से हमको कोई फायदा नहीं है तो सिर्फ वैसे मटेरियल्स को द मटेरियल्स व्हिच बर्नड टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आर नोन एज फ्यूल्स ऐसे मटेरियल्स जिनको जलाने पर अधिक मात्रा में फ्यूल अधिक मात्रा में हीट एनर्जी रिलीज होता हो उसको हम फ्यूल्स कहें ठीक है अब देखिए बहुत सारे फ्यूल हैं बहुत सारे फ्यूल्स के नाम आप जानते हैं एलपीजी घर में यूज होता है केरोसिन है डीजल है पेट्रोल है हाँ ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल्स और एक चीज और एक फ्यूल के बिना आज के डेट में वी कैन नॉट इमेजिन अवर लाइफ विदाउट फ्यूल इन प्रेजेंट टाइम फ्यूल्स का यूज हर जगह होता है घरों में हो रहा है गाड़ी से इधर उधर जाना हो वहां यूज हो रहा है ठीक है तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में इसका यूज होता है तो बहुत सारे यूज है इंडस्ट्रीज में यूज होता है ठीक है तो अब हम इसको फ्यूल को क्लासिफाई करेंगे ठीक है क्लासिफाई करेंगे फ्यूल को क्लासिफाई बेसिस पर करते हैं कि वो किस स्टेट में उपलब्ध होता है तो स्टेट के आधार पर हम फ्यूल को थ्री पार्ट्स में बांटेंगे है ना सॉलिड फ्यूल्स लिक्विड फ्यूल्स एंड गैसेस फ्यूल्स ठीक है तो सॉलिड फ्यूल्स ऐसे फ्यूल को कहेंगे जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है जैसे कि कोल है कोक है चारकोल है वुड है पैराफिन वैक्स है ठीक है अब दूसरा है लिक्विड फ्यूल्स दोज फ्यूल्स विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर ऐसे फ्यूल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं दे आर कॉल्ड लिक्विड फ्यूल्स लाइक केरोसिन पेट्रोल डीजल एंड सो मेनी अदर्स गैसेस फ्यूल्स दोज फ्यूल्स विच एग्जिस्ट इन गैसेस स्टेट जो गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पर उसको हम गैसेस फ्यूल कहते हैं लाइक एलपीजी है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको हम सीएनजी भी कहते हैं बायोगैस जो हम गोबर गैस प्लांट से हमको बायोगैस प्लांट से मिलता है ठीक है अब देखिए कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या होता है कोई भी फ्यूल जलता है तो आपको मालूम है कि हीट एनर्जी रिलीज होता है ठीक है तो हर एक फ्यूल जो है अलग अलग अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज करता है बर्निंग के ऊपर कंबसन के ऊपर कुछ फ्यूल्स आपको बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज करते हैं कुछ जो होते हैं थोड़े से कम हीट एनर्जी रिलीज करते हैं तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg मतलब 1 unit ले सकते हैं तो 1 kg यहां लिया गया है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू कोई भी फ्यूल के 1 kg को 1 kg फ्यूल के कंप्लीट कंबशन के उपरांत जितना अमाउंट हीट एनर्जी का रिलीज होता है वो उस फ्यूल का पर्टिकुलर फ्यूल का वो कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है ठीक है और कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग किलो जूल ये यूनिट है पर किलोग्राम को 1 kg को जलाने पर कितना हीट रिलीज होता है उसको हम लोग किलो जूल में एक्सप्रेस करते हैं ठीक है तो किलो जूल पर किलोग्राम इट डिटरमाइंस और इसके आधार पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई फ्यूल कितना अच्छा है और कितना खराब है ठीक है अब देखिए कुछ फ्यूल्स के कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ दिए गए हैं काउडंग 6000 से 8000 किलो जूल इसमें रिलीज होता है हीट एनर्जी ऊंट को जलाने में 17000 से 22000 कोल को जलाने में 25000 से 33000 बायोगैस में 35000 से 40000 डीजल में 45000 केरोसिन ऑयल में 48000 किलो जूल पर केजी ठीक है नेचुरल गैस में 32000 से 50000 पेट्रोल में 50000 सीएनजी में 50000 एलपीजी में 50000 किलो जूल रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस में देखिए बहुत ज्यादा हो रहा है 1,50,000 किलो जूल 1 kg हाइड्रोजन गैस को जलाएंगे तो इतना हीट एनर्जी रिलीज होता है तो लेकिन क्या है ना इतना हीट एनर्जी को कंट्रोल करने का जो मेथड है अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द वे बाय विच
the amount of heat released by burning 1 kg of hydrogen gas is used. है ना कैसे use करें? They are trying to find out. अगर ये उन्हों इसमें सफलता मिलती है तो एक बहुत बड़े problem से उनको निजात मिल सकती है future में. But इसलिए इसको future fuel के तौर पर भी देखा जाता है. ठीक है. बात उठती है एक जो अच्छा फ्यूल है जिसको हम लोग आइडियल फ्यूल कहते हैं उसमें कौन कौन सी विशेषता होती है. जैसे हम किसी को अच्छा आदमी कहते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके आधार पर हम उसको अच्छा कहते हैं. उसी तरह से देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डिसाइड दैट विच फ्यूल इज आइडियल फ्यूल और विच इज नॉट. तो पहला पॉइंट क्या है? इट शुड बी फेयरली चीप. उसको काफी सस्ता होना चाहिए एंड इजिली अवेलेबल आसानी से उपलब्ध होना चाहिए. ठीक है. दूसरा है इट शुड बी इजी टू हैंडल. उसको उसका उसको हैंडल करना उसका यूज करना आसान हो, सेफ हो ट्रांसपोर्ट में, जगह से दूसरे जगह ले जाने में आसानी हो. और दूसरा है कन्वीनियंट टू स्टोर. उसको स्टोर करना सुरक्षित हो, सुविधाजनक हो. इट शुड बर्न स्मूथली. उसको आसानी से जलना चाहिए. ठीक है. चौथा इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू. उस फ्यूल में उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है काफी हाई होना चाहिए तभी तो अच्छा फ्यूल होगा. इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल एंड टॉक्सिक फ्यूम्स ड्यूरिंग बर्निंग. ये भी होना चाहिए कि बर्निंग के समय कोई हार्मफुल या फिर टॉक्सिक फ्यूम्स रिलीज नहीं करे जो बाद में एयर पॉल्यूशन का कारण बनता है. सिक्स पॉइंट है इट शुड नॉट लीव एस मतलब राख रेसिड्यू मतलब अवशेष. जलने के बाद बहुत सारे फ्यूल्स होते हैं, कुछ अवशेष छोड़ते हैं बर्निंग के बाद, तो वो नहीं हो तो बहुत ही अच्छा है. जैसे कि एलपीजी हम लोग घर में जलाते हैं तो कोई राख वाक नहीं होता है, इसलिए उसको आइडियल फ्यूल भी कहते हैं. इट शुड हैव ए प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर. और फ्यूल का एक अपना प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर कहने का मतलब है कि न तो उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो हो न बहुत हाई हो, मतलब मॉडरेट हो उसका, है ना. उसका इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट हो रूम टेम्परेचर पर, है ना. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल. ये सारे एक अच्छे फ्यूल की विशेषताएं हैं. ठीक है. तो आज के लिए इतने ही. उसके बाद हम लोग अगले क्लास में हम लोग बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल को जलाने पर कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी रिलीज होते हैं, उनके बारे में अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.